वेलकम बैक गाइस, एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक में बात करूंगा और जो ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा वो है वाटर कलर के ऊपर। हमेशा कोई भी ड्राइंग करने से पहले या कोई भी आर्ट फील्ड में आप जाओ, वाटर कलर जो एकदम बेसिक मीडियम होता है वो सभी को एक ना एक बार करना पड़ता है, चाहे ये सबसे फेमस मीडियम में से एक है। तो एक वाटर कलर को करने से पहले सबसे जो जरूरी पॉइंट होता है, आपका ड्राइंग सही होना चाहिए। देखिए, आप कोई भी मीडियम, कोई भी कलर या कुछ भी कर लो, अगर आपका ड्राइंग सही नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी तरह का पेंटिंग या अच्छा कॉम्पोजिशन आप बना नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को अपना ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो ऐसे भी बनाया कि कैसे आप ड्राइंग कर सकते हो, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ जाके वो देखिए। और आज जो मैं दिखाने वाला हूँ, कैसे आप एक वाटर कलर फिगर को पेंटिंग कर सकते हो, मतलब एक मॉडल आप मेमोरी ड्राइंग कर सकते हो, आप किसी फोटो के रेफरेंस लेकर भी ड्राइंग कर सकते हो, आप आराम से वो ड्राइंग करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे तो वाटर कलर आपके लिए बहुत आसान होगा। तो गाइज, ये वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरा वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप लोगों के पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख रहे हो कि मैं इधर एक ब्लॉग बना रहा हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका ब्लॉक, उसका प्रोपोर्शन, वही आपको ड्राइंग का जो भी कुछ आप बना रहे हो वही चीज़ आपके ड्राइंग सबसे बेटर बनाता है। तो यहाँ पर फाइनल लाइन भी मैंने ऐड कर चुका हूँ। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि एक्चुअल टाइम में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ देखने मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा बहुत सारा स्किप करके इधर दिखा रहा हूँ। तो इधर थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रोक जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं मसल्स और जो जो एनाटोमी का जो पोर्शन है वो ड्राइंग कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया कि मैं हर एक वीडियो पे एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ कि ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो गाइस, ये सच में है, अगर आपके ड्राइंग प्रॉपर नहीं है तो आप कुछ भी काम करो तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार अच्छे से आपकी ड्राइंग हो जाए तो उसके ऊपर और उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, चाहे आप कोई भी मीडियम से काम करो। तो इधर मैंने पहले ऑरेंज लिया है, ऑरेंज के साथ थोड़ा येलो ऑकर भी पंच किया है और उसके बाद अल्ट्रामेरिन से मैं ये शेड पंच किया। और यहाँ पर मैंने 3-4 कलर यूज़ किया है, एक तो येलो ऑकर और एक है ऑरेंज अल्ट्रामेरिन, फ्रेंच अल्ट्रामेरिन जिसको बोलते हैं, और उसके साथ आप थोड़ा रेड पंच कर सकते हो। ठीक है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और लिंक इसका पूरा प्रॉपर नेम भी दे दूंगा एक एक कलर का। और धीरे धीरे मैं थोड़ा डार्क भी इधर ऐड कर रहा हूँ ताकि वो डायमेंशन आप लोगों को पता चले अच्छी तरह से। देखिए, कोई भी मॉडल फिगर या कोई भी फिगर आप अगर पेंटिंग कर रहे हो या बना रहे हो, हमेशा लाइट एंड शेडो के तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लाइट एंड डार्क या लाइट एंड शेडो फॉलो करके आपका पूरा ड्राइंग निखर के बाहर आएगा, चाहे वो आप कोई भी मीडियम से पेंटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो मतलब हर वक्त आपको लाइट एंड डार्क या लाइट एंड शेडो का ध्यान हमेशा आपको रखना पड़ेगा, ये चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना। और ये उतना ज़्यादा हार्ड ड्राइंग भी नहीं है, स्टूडेंट लोगों के लिए ही ये ड्राइंग बनाया है मैंने। तो कोई भी ये ड्राइंग देख के भी आप लोग कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सके तो गाइस थोड़ा लाइव ड्राइंग कीजिएगा क्योंकि लाइव ड्राइंग बहुत अच्छा होता है। मैंने पीछे थोड़ा ब्लू का शेड दिया है ताकि थोड़ा 3D इफ़ेक्ट आए और इससे सच में थोड़ा डायमेंशन निकल के बाहर आता है। और फेस का उधर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो गाइस, अगर ये वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।